हेलो फ्रेंड, आज हम पासपोर्ट फोटो बनाना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करेंगे। फोटोशॉप ओपन करने के बाद फाइल में क्लिक करेंगे। फाइल में क्लिक करने के बाद ओपन पे जाएंगे। जो भी फोटो हमें चूज करना है, जो भी फोटो हमें बनाना है, यहाँ से हम चूज करेंगे। मैंने अपना फोटो डेस्कटॉप पे रखा है, तो डेस्कटॉप से यहाँ से चूज करता हूँ मैं। मैंने ये फोटो लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो टूल्स आ रहे हैं, यहाँ से हम क्रॉप का टूल यूज करेंगे। क्रॉप टूल यहाँ पर ये है, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद साइज देंगे हम 1.4, 1.7 और यहाँ पर आ जाएगा 200। दोस्तों ये है फोटोशॉप का, जो फोटोशॉप है, जो पासपोर्ट साइज का साइज है, ये पासपोर्ट फोटो का साइज है। तो इसको हम यहाँ पे 1.4, 1.7, जिस पासपोर्ट फोटो का साइज है। अब दोस्तों हम इसे क्रॉस करेंगे, क्रॉप करेंगे। आपको ध्यान देना है, क्रॉप करते समय सर नहीं कटना चाहिए। एंटर करेंगे, फोटो क्रॉप हो चुका है। उसके बाद हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एन। क्या प्रेस किया मैंने, लिख देता हूँ यहाँ पर। कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन करने के बाद ये ओपन हुआ है मेरे पास। उसके बाद यहां से हम साइज सिलेक्ट कर लेंगे। जो मेरा जो साइज है, मैं यहाँ पे 4:6 सिलेक्ट करूंगा। आप यहाँ कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हो। ओके करेंगे। एंड ओके करने के बाद हमें इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे, ऑल्ट प्लस आई ई। तो चलो यूज करते हैं। इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें इसे रोटेट करना है, तो इसे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ऑल्ट आई ई। उसके बाद हम ये 90 पे जाके इसको एंटर करेंगे, तो ये रोटेट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, हम इस फोटो को क्रॉप, इस फोटो को हम इसमें लेके आएंगे। उसके लिए हमें यहाँ टूल चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने ये मूव टूल ले लिया, इसको मूव टूल कहते हैं। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फोटो को मैं डायरेक्टली यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दूंगा। तो फ्रेंड देख सकते हो, तो फोटो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, शिफ्ट के साथ, सॉरी, स्पेस वाला बटन दबा के इस पर राइट क्लिक करूंगा। लिख देता हूँ मुझे क्या करना है, प्रेस स्पेस वाला की प्रेस करना है और होल्ड करके रखना है। उसके बाद मुझे इस पर राइट क्लिक करना है। तो स्पेस वाला की मैंने प्रेस करके रखा है, राइट क्लिक किया मैंने। उसके बाद आपको यहाँ पे फिट टू स्क्रीन जो दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिट टू स्क्रीन। मैंने क्या किया, स्पेस वाला की मैंने प्रेस करके रखा, स्पेस वाला बटन दबा के रखा और राइट क्लिक किया, स्पेस वाला बटन दबा के रखा और राइट क्लिक किया और यहाँ से फिट टू स्क्रीन कर दिया। तो देखो ये इसका डिस्प्ले बिल्कुल, इसका फिट टू स्क्रीन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर स्टॉक लेके आएंगे। स्टॉक के लिए
जो कमांड यूज करना है ऑल्ट प्लस ई एस, यहां पर हम 4 रहने देंगे, कलर जो हम यहां से ब्लैक ही रहने देंगे, ब्लैक चूज करेंगे, ओके करेंगे। अब देख सकते हो तो इसमें स्टॉक आ गया। उसके बाद हम यहां पर इसको इस तरह से सेट कर लेंगे ऑल्ट प्लस शिफ्ट, शिफ्ट ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे। उसके बाद हम ये वाला टूल लेंगे, इसको लेंगे हम, इस वाले टूल को लेके यहां से इसको हम इस तरह से क्रॉप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फोटो नहीं कटना चाहिए। दोस्तों मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और तीनों एक साथ प्रेस करके सी करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट देन प्रेस सी, तो मैं यहां पे कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस कर रखा है, उसके बाद सी प्रेस करता हूं और उसके बाद मैं कहीं भी बाहर क्लिक करूंगा, उसके बाद कंट्रोल भी। ये कंट्रोल भी करने के बाद पेस्ट हो गया है। मैंने क्या किया, कंट्रोल भी इसी तरह हम इसको ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। इस फोटो पर क्लिक करेंगे और ऑल्ट प्लस भी ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। अब देख सकते हो मैंने इसको ऑल्ट प्लस भी ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट वाला की प्रेस किया और इसको आगे इसको ड्रैग करता रहा। इस तरह आप भी इसको कर सकते हो। मैंने क्या किया आपको लिख देता हूँ वहाँ पर, शिफ्ट प्लस ऑल्ट उसके साथ मैंने ड्रैग किया। अब फ्रेंड क्या करेंगे, सेव करेंगे, फोटो बन चुका है उसको सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के सेवस में जाएंगे, सेवस में जाने के बाद कोई भी लोकेशन चूज कर लेंगे। उसके बाद इसको हम PNG से JPG कन्वर्ट करेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है PNG से JPG आएगा, ऑटोमेटिक जो डिफॉल्ट आएगा PNG आएगा, लेकिन हमें JPG में सेव करना है। उसके बाद इसको नाम दे देंगे PP न्यू, सेव करेंगे। तो फ्रेंड ये फोटो बनके तैयार हो गया, यहाँ पे ओके करेंगे, जो हमने फोटो बनाया था वो सेव हो गया डेस्कटॉप में। आओ एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने फोटो बनाया था ये है वो फोटो। फ्रेंड आप देख सकते हो फोटो कितना अच्छी तरह से बना हुआ है। तो फ्रेंड इसमें कुछ भी फोटोशॉप में और भी सीखना होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर जरूर कर ले। थैंक यू।